श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस, आज एक बार फिर से एक नई टीम के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। साथियों, मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि रेडियो बूस का लक्ष्य सतत रूप से आसपास के सुनने वालों को हर एक उस बात के लिए जागरूक करना है जो उनके जीवन से संबंधित है। और साथियों, जीवन से संबंधित सबसे नज़दीकी और पहली बात हमारी अपना स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होती है। आज हमारे बीच डॉक्टर कंचन के सौजन्य से डॉक्टर रमनीक भी आए हुए हैं। मैं और प्रवीण वैद मिलके डॉक्टर कंचन के सहयोग से डॉक्टर रमनीक से बहुत सी बातचीत करेंगे। बातचीत आयुर्वेदिक से संबंधित होगी। कारण ये है साथियों, हम लोग एलोपैथी से, होम्योपैथी से, आयुर्वेदिक से परिचित तो रहते हैं, लेकिन हमें उनकी जो गूढ़ बातें हैं वो कई बार जानने का मौका नहीं मिलता। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर रमनीक हिमाचल से हमारे बीच में बैठे हैं और हमें ये इस बात की लिबर्टी दे रहे हैं कि हम इनसे बहुत सी मौलिक बातें जो आयुर्वेदिक से संबंधित हैं वो हम इनसे बात करें। रमनीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आए हमारे पास, आपका बहुत बहुत आभार। और ऐसा ही आभार हम डॉक्टर कंचन को देना चाहते हैं जिनके सौजन्य से आज आपकी उपस्थिति हमें हमारे स्टूडियो में मिल रही है। तो इन्हीं बातों और इसी इंट्रोडक्शन के साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप कुछ शब्दों में अपने बारे में स्वयं बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैद्य रमनीक सिंह है। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूं और मैंने अपने आयुर्वेद का ज्ञान गुजरात में वैद्य तपन जी से हासिल किया है। ये तपन जी वही सज्जन हैं जिनसे आपने ज्ञान लिया? जी सर, वैद्य तपन सर हम सबके गुरु हैं। अच्छा। और उनके अंदर एक पारायणी नाड़ी वैद्य की परंपरा चलती है। ओके। तो सर ने भी वहीं से ही सीखा, वहीं से पारायण का ज्ञान लिया। ओके। तो डॉक्टर रमनीक जी, मुझे बहुत कम से कम शब्दों में आप ये बताने का प्रयास करें कि आयुर्वेद किन सिद्धांतों पर काम करता है जो आप लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको बताते हैं, उसके बारे में कुछ मौलिक सिद्धांत है जिन पर आप लोग काम करते हैं। कृपा उनको थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, आयुर्वेद एक सिर्फ ट्रीटमेंट साइंस नहीं है। इट्स नॉट ओनली फॉर ट्रीटमेंट। ओके। एक लाइफ साइंस है। ओके। जीवन जीने की कला जो है हमें आयुर्वेद सिखाता है। ओके। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके। तो हमारे आयुर्वेदिक जितने भी हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट हैं उसमें बता रखा है कि सुबह उठने से लेके, यानी कि जैसे हमारे आचार्य वाग्भट जी हुए हैं, उन्होंने अष्टांग हृदयम करके एक टेक्स्ट लिखा है, उसमें उन्होंने मेंशन कर रखा है सूत्र स्थान के दूसरे चैप्टर दिनचर्या में। ओके। हमें सुबह से लेके शाम तक कैसा दिन बिताना चाहिए। ओके। उसको अगर हम पहले फॉलो कर लेते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी, पहली चीज। उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट साइंस पे, जो भी आयुर्वेद किया है उसमें मेन हमारा जो कवर करते हैं, हम अग्नियों के ऊपर ध्यान देते हैं। ओके। तो शरीर में वात पित्त कफ, जैसा कि सभी जानते हैं, वो तीन दोष होते हैं, लेकिन इन तीन दोषों के बाद भी हर एक दोष के सब टाइप्स हैं। ओके। जो कि अलग अलग हिस्से का जो है वो पालन करते हैं शरीर में, जैसे पांच वात हैं, पांच पित्त हैं, पांच कफ हैं, इसके अलावा सात धातुएं और उनके साथ उनकी जुड़ी हुई अग्नि, ठीक, और इसके अलावा तीन मल हैं हमारे, और हम लोग जो मल हैं उनके शरीर के बाहर जाने के बाद जो
एलिमिनेशन होने के बाद शरीर की शुद्धता पे ध्यान देते हैं, क्या वो ठीक हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो 7 अग्नि है उन बैलेंस में होनी चाहिए, ना ज्यादा तीक्ष्ण होनी चाहिए ना ज्यादा मंद होनी चाहिए। वैसे ही वात पित्त कफ की भी अपनी अग्नि है। इसके अलावा अगर हम फोकस करना चाहें, कुछ लोग आयुर्वेद में 6 रस बताए हैं, तो उन रसों पे भी काम करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हमारे जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वैद्य, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो गुण दिया है, जो आयुर्वेद ने उनको गुण दिया है, वो किस तरीके का गुण दिया है, तो वो पहचान के वो उस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर जी, जो इतनी चीजें आपने बताई हैं, एक आम आदमी को इन सब चीजों से निवृत्त होने के लिए कितना एक टाइम लग जाएगा? जितनी आपने ये अशुद्धियां बताई हैं, तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में हर एक में कुछ ना कुछ तो रहा होगा, तो कितना टाइम? इन ऑर्डर टू प्रूव हेल्दी व्हाट ही मींस, कि एक साधारण व्यक्ति को एक नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए आप, अगर आपके पास कोई उपचार के लिए आता है, तो कितने समय तक आप उसको ट्रीट करते हैं और उसको एक सहज ह्यूमन बीइंग बना देते हैं? अगर कोई ऑलरेडी जैसे दिनचर्या में हमारे बता रखे हैं, वो ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद उसको प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आज के टाइम पे हम बाहर का खाना खा लेते हैं, जैसे कोई अगर सब्जी भी ले रहे हैं या तेल भी ले रहे हैं, वो भी प्रोसेस्ड फूड है या केमिकल फूड है, तो उसके द्वारा या फिर हमारे एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके द्वारा हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगे। अगर वो सिर्फ इस समय के लिए ही है, तो हम 3 दिन में रिजल्ट दे सकते हैं। मिनिमम डेज, 3 डेज में रिजल्ट मिलते हैं। अगर कोई बीमारी जो बहुत सालों से एकत्रित हो रही है शरीर में, जैसे कि हम डायबिटीज कह सकते हैं या किडनी डिसऑर्डर्स या लिवर डिसऑर्डर्स, तो उनमें थोड़ा समय लेके मिनिमम हम उसको 20 डेज में ये दिखा सकते हैं कि ये चीज काम कर रही है, और विद इन 3 मंथ ही विल बी लाइक इन अ हेल्दी स्टेट, बट ही हैव और ही और शी हैव टू फॉलो लाइक फॉर द नॉर्मल रूटीन है, वो उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। नॉर्मल रूटीन को जहां तक हो सके, आल्सो यस, नॉर्मल रूटीन को फॉलो हमें करना चाहिए जितना हम कर सकें। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, नॉट इन 2 डेज टाइम। डॉक्टर कंचन कुछ बताती रही हैं हमें, तेल के बारे में बताती रही हैं, आप फिर दोबारा बताइए। जी सर, मैंने बेसिकली अपने कुछ सेशंस में बताया है कि दिनचर्या और ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग हर एक इंसान को वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार कैसी हमारी दिनचर्या ऋतुचर्या होनी चाहिए। जैसे सर ने पूछा कि एक बेसिक हेल्दी पर्सन हम किसको बोल सकते हैं, आम आदमी अगर स्वस्थ है तो उसकी पहचान कैसे करें कि वो स्वस्थ है। आयुर्वेद में कहा गया है सम दोष, वात पित्त कफ की साम अवस्था, सम धातु, जैसे सर ने बताया कि धातुएं होती हैं, लेवल्स ऑफ हमारे टिश्यूज होते हैं, वो भी हेल्दी होंगे। सम दोष, सम धातु, सम अग्नि, हमारी अग्नि, सर ने इलेबोरेट डिटेल में बताया, हमारी अग्नि भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। फिर मल, हमारे मल डाइजेशन सही होगा तो आपका यूरिनेशन और एक्सक्रीशन अच्छा होगा, वो डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन वो सेलुलर लेवल तक होता है। हमारे छोटे से छोटे सेल की भी अपनी अग्नि होती है, वहाँ भी डाइजेशन होता है, वो भी बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। और लास्ट में आयुर्वेद में एक बात कही जाती है, प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न इंद्रिय और प्रसन्न मन, जब ये सब बैलेंस में होंगे तो एक इंसान स्वस्थ होगा। मेरे ख्याल जो आपकी बातों से लग रहा है, एक्सक्रीशन इज आल्सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, नहीं? यस। अगर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट अच्छे तरह से हो जाते हैं तो आधी समस्या खत्म हो जाती है, जो मेरे को लग रहा है। ऑलमोस्ट, नहीं? रमनीक जी, मुझे ये जानना है, आपने विशेष तौर पर बात करते हुए डायबिटीज का जिक्र किया, तो आप आयुर्वेद में ये दावा करते हैं कि आप डायबिटीज का उन्मूलन कर सकते हैं? इसमें ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है, वो किस समय पे आ रहा है। अच्छा, वो क्या वो चिरकाल हो चुका है उसको, या इनिशियल फेजेस में आ रहा है, या एक मिडिल टाइम पे आ रहा है। तो जिससे एक समय है किसी चीज का, जब तक हम पकड़ के रख सकते हैं, तो शुरुआती टाइम पे तो हम उसको साध्य मानते हैं। जैसे कि
20 तरीके के प्रमेय आयुर्वेद में बता रखे हैं, उसमें से पहले 10, जैसे कि हमने पहले बात की थी, 10 तरीके के प्रमेय जो पहले 10 होते हैं वो कफज होते हैं। उस समय पे इंसान को उस डायबिटीज, जिसको हम मोटे तरीके हुए कह सकते हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं, दैट इज साधन आयुर्वेद। आयुर्वेद में बताया है कि जब आप किसी इंसान को आयुर्वेद में डायबिटीज, जिसको अगर समझाएं मोटे तौर पे, तो डायबिटीज नहीं, कि जब पेशेंट यूरिनेट करेगा, अगर वो बाहर करता है तो पुराने समय में चींटियां आ जाती थी यूरिन के ऊपर, तो उससे आप पहचान सकते हैं कि यूरिन में मिठास है, तो उसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसको डायबिटीज है या नहीं है। पहला एक लक्षण बताया है। इसके अलावा जैसे पहले 10 तरीके के जो कफज हमारे पास परमेय रहते हैं, उसमें हम लोग हैवीनेस देखते हैं शरीर में, भूख का कम होना, निद्रा ज्यादा आना, आलस ज्यादा देखेंगे, बार बार यूरिन जाना, हाँ जी बार बार यूरिन जाना, ये सब चीजें हम नोटिस करेंगे। लेकिन उस पीरियड पे नॉर्मली लोग पेशेंट डॉक्टर के पास में जाएगा, क्योंकि उस समय पे उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, जो जिसकी वजह से वो डॉक्टर के पास जाए, तो पेशेंट उस टाइम पे नहीं जाते हैं, इसलिए वो मोस्टली अनट्रीटेबल रह जाती है। इसके बाद एक स्टेज आती है जिसमें 6 पित्त तरह के परमेय है, उस समय पे पेशेंट काफी ज्यादा हेल्थ, थोड़ा मोटा हो जाता है, दिखने में स्वस्थ लगता है कि वो स्वस्थ है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं होता है, क्योंकि उसकी पित्त बढ़ने, सारे जितने भी पित्त होते हैं हमारे शरीर में, स्पेशल भ्राजक जो पित्त होता है और जो पाचक पित्त होता है, वो दोनों बहुत ज्यादा बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो थोड़ा भूख ज्यादा लगती है पेशेंट को, और थोड़ा हेल्दी लगता है, तो ही फील्स लाइक देयर इज नथिंग गोइंग ऑन। उसके बाद आती है लास्ट के वातज, जो पित्तज हैं वो कृच्छ साध्य, यानी कि मुश्किल से ट्रीट होने वाले हैं, जो पहले 10 तरीके के कफज परमेय हैं वो साध्य हैं, यानी इजिली ट्रीटेबल है, लेकिन जो लास्ट के वातज तरीके के परमेय हैं, जिसमें से मधुमेह भी एक है, वो आयुर्वेद में भी असाध्य बताए गए हैं। तो इसलिए आपने पूछा कि ये आप दावा कर सकते हैं ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में आ रहा है। अगर वो वातज है तो उसको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, हम उसको रोक सकते हैं, उसको स्लो कर सकते हैं वातज परमेय को, लेकिन हम उसको मतलब कंप्लीटली असाध्य नहीं है। एक डॉक्टर मनिक, मुझे ये बताने का आप कष्ट करें कि इट्स नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादातर लोगों को क्या समस्याएं आती हैं, क्योंकि आप इस एरिया में भ्रमण भी करते हैं, आपकी स्टडी भी है, तो फिर आप उसके क्या उपाय, क्या मेडिसिन आप बताते हैं? मेडिसिन के लिए तो बेसिकली पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, डेफिनेटली, क्योंकि उसका प्रकृति क्या है, हमें पहले वो असेस करनी है। ओके। उसके अकॉर्डिंग हमें उसका नेचर देखना है, उसका पास्ट हिस्ट्री भी चेक की जाएगी, और उसके बाद ही हम मेडिसिन दे सकते हैं, अगर कोई मेडिसिन के लिए स्पेशली आ रहा है। और मेनली हम जो फॉलो करते हैं, जो स्पेसिफिकली जिनसे मैंने सीखा है, हम लोग नाड़ी को फॉलो करते हैं। ओके। जो नाड़ी में हमें दिखेगा हम उसी को रूट कॉज मान के ट्रीट करेंगे। ठीक है। जो चीजें कई बार नहीं दिख पाती, नाड़ी शोज अस द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। ठीक है। इनका सवाल ये था, जैसे हम नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं, यहाँ कौन सी बीमारी ज्यादा प्रोमिनेंट है? मोस्ट कॉमन डिजीज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, डायबिटीज। लाइफस्टाइल में काफी चीजें आ जाती हैं, स्ट्रेस प्रॉब्ली बहुत ज्यादा है, और स्ट्रेस के कारण शुगर भी बढ़ती है, स्ट्रेस के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। समटाइम्स देयर इज डायबिटीज इंड्यूस्ड स्ट्रेस एंड देयर इज समटाइम्स देयर इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज। हां, इट इज वाइस वर्सा, दोनों ही चीजें हैं, साथ साथ चलती हैं। एंड देयर इज हार्ट, आप हार्ट के प्रॉब्लम देख सकते हैं, रक्तचाप के डिसऑर्डर्स देख सकते हैं, ये बहुत कॉमन हो चुका है, और उसका मेन रीजन है कि हमने अपनी जो आचरण में चीजें, खाने पीने में बदलाव, या एक पूजा पाठ भी हम कह सकते हैं, जो कि हमने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव कर दिए, जो कि हमारे पूर्वज फॉलो करते थे, और उस कारण हमें वो चीजें अभी भोगनी पड़ रही हैं। आप इनका सवाल अच्छी तरह से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि आप गुजरात में भी रहे हैं। गुजरात में क्या बीमारियां अलग थी, या जो नॉर्थ इंडिया में है वो अलग है? डायबिटीज तो गुजरात में भी है, लेकिन उधर के डिसऑर्डर्स थोड़े अलग तरीके के। हाँ, वही हम जानना चाह रहे हैं। उसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आप एक चीज ऐड कर सकते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी इंड्यूस्ड डिसऑर्डर ज्यादा है वहां पर। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि वहां पे मीठे का इंटेक बहुत ज्यादा है, और हैवी चीजों का इंटेक ज्यादा है, और जो वर्क कल्चर है वो नॉर्मली सीटिंग है। ओके। जो बैठने का है वर्क कल्चर है, जो आप सिर्फ चेयर पे बैठे हैं और आप काम कर रहे हैं, लाला लाला लोग हैं। हाँ जी, पैसे वाले।
तो उससे उससे के रिगार्डिंग डिसीजेस आएंगे। हाँ, स्ट्रेस इंड्यूस्ड वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो हमें मोस्टली देखने को मिले, और अगर आप उधर का देखें तो सिर्फ हमें यही देखने को मिलेगा अलग से, लेकिन ये डिसऑर्डर अभी पूरे इंडिया में है जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का, नॉर्थ को अकेला छोड़ के। ओके डॉक्टर कंचन, हेयर आई वुड लाइक यू टू इंटरवीन, क्योंकि आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो आप बेहतर बता सकते हो कि किस तरह के पेशेंट आजकल आपके पास आते हैं और फिर आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जी सर। हाँ सर, जैसे कि अभी प्रवीण सर ने भी बोला है और रमनीक सर ने भी बोला है, एक टर्म इंड्यूस हुई है, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज। ओके। मानसिक रोग हम पूरी दुनिया में देखें 80% से ज्यादा मानसिक रोग। डॉक्टर थोड़ा सा फर्क है जी, स्ट्रेस इंड्यूस्ड और मानसिक रोग में फर्क है थोड़ा सा। स्ट्रेस से सिम्टम, मानसिक रोग से बीमारी। जी आप क्या बताना चाह रहे हैं सर? स्ट्रेस मनस रोग में भी आता है, जो मेंटल स्ट्रेस है। मनस रोग इज नॉट की सिर्फ एक ही रोग है, मानसिक रोग में बहुत सारे रोग आ जाते हैं उसमें, फिर एंग्जाइटी इश्यूज जो हम जो मॉडर्न टर्म दी है, हम आयुर्वेद में इसको उन्माद बोलते हैं, अपस्मार बोलते हैं, और कलेक्टिवली हम मानसिक रोग बोलते हैं। तो पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जब ये डेटा कलेक्ट किया गया तो 80% से ज़्यादा हमें मेंटल इश्यूज दिखे, जो आजकल मेंटल इलनेस के बारे में चर्चाएं चलती हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? सर ने अपने डिस्कशन में एक टर्म शेयर की थी, रस। जो रस है हमारे खाने में, खाने के षड रस बताए गए हैं, और सबसे ज़्यादा मधुर रस जो होता है, मधुर और अम्ल रस, वो हृदय के लिए अच्छा होता है। हार्ट लविंग जो टेस्ट है वो स्वीट टेस्ट और खट्टा रस है, तो हमने स्वीट टेस्ट मेनली वो बहुत कम कर दिया है। क्यों? उसके रीजन दिए जाते हैं कि मोटापा ज्यादा हो जाता है, और वन ऑफ द सोर्स ऑफ डायबिटीज है जी, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बोला जाता है, बीपी के लिए, घी बंद करवा दिया तो उससे क्या हो गया, दिमाग की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हम देखेंगे कि इरिटेटेड हम ज्यादा रहते हैं और छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं, तो इससे मेंटल इश्यूज बढ़ गए। सर ने बात की गुजरात की, गुजरात में लोग मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वहां पे आपको मेंटल इश्यूज कम देखने को मिलेंगे, लोगों का बिहेवियर अच्छा देखने को मिलेगा। जो जितना हमने इंडिया में ट्रेवल किया है, साउथ इंडिया में ट्रेवल किया है, नॉर्थ इंडिया में ट्रेवल किया है, तो गुजरात के लोग बिहेवियर वाइज दे आर मोर अच्छे तरीके से बात करते हैं, खुश तरीके से बात करते हैं, दे आर मोर पोलाइट। जी सर। सर मेरी प्रैक्टिस में जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ तो वहाँ पे बेसिक्स नेचुरल सी बात है, मैं आयुर्वेद में काम कर रही हूँ तो वहाँ पे क्रॉनिक केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कैंसर के पेशेंट्स वहाँ पे आते हैं, लीवर के पेशेंट्स आते हैं, मानसिक रोग के पेशेंट्स भी आते हैं, बच्चे पेशेंट्स बन के आते हैं। बच्चों में जो रोग होते हैं मेंटल इश्यूज, वो मदर से बच्चे को गए हुए होते हैं, और अभी क्योंकि कोविड हो रहा है, कोविड की वजह से काफी बिगड़े हुए केसेस आ रहे हैं, बच्चों के केसेस जिसमें उनको मेंटल इश्यूज ज्यादा हैं, और जो एडल्ट हैं या फिर ओल्ड एज पीपल हैं उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज ज्यादा हैं। ओके। जी, और काफी आजकल हम केसेस सुनते हैं कि डेथ इश्यूज ज्यादा, डेथ रेट बढ़ गया है कोविड के बाद से, वो वैक्सीनेशन के बाद से, तो वो थ्रोम्बोसिस या फिर जो ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं वो पर अब तो इतना नहीं है डॉक्टर साहब, कोविड तो नाम मात्र है। कोविड के टाइम पे वैक्सीनेशन हुआ था तो वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशन के रूप में अभी ये देखने को मिल रहा है। अच्छा, अभी ज्यादा जो मृत्यु दर है वो बढ़ गई है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, हार्ट, इन पे इम्पैक्ट देखने को अब ज्यादा मिल रहा है। डॉक्टर साहब, आप भी अपनी प्रैक्टिस में नाड़ी को ही प्राथमिकता देते हैं या सिम्टम्स ही पेशेंट से लेते हैं? सिम्टम्स पेशेंट को चाहिए, जब पेशेंट हमारे पास आता है वो एक्सपेक्ट करता है कि जो सिम्टम्स हैं वो पहले ठीक हों, तो हम लोग उनको भी थोड़ा देखते हैं कि इसको पहले रिलीज सिम्टम्स का भी हो, लेकिन हम रूट कॉज को मेन प्राथमिकता देते हैं, नाड़ी से देखते हैं। हाँ जी। आर यू डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस? यस सर, मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ हिमाचल में, अंतिम आयुर्वेद के नाम से। अच्छा, दिस इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? दिस इज इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, इन तहसील फतेहपुर। ओके, दैट्स राइट। आपने डॉक्टर साहब कोई ऐसा केस जो कि
अक्सर कहा जाता है जी एलोपैथिक वालों ने जवाब दे दिया, ऐसा कोई आपने ठीक करा? यस सर। तो बताइए इस बारे में। मेरे मदर की बात कर रहा हूँ मैं, शी मतलब वो डायबिटिक पेशेंट थे पिछले 20 साल से। तो 20 साल पहले तो वही बात है कि डिटेक्ट नहीं हो पाई टाइम से डायबिटीज, उसके बाद वही रोग सीकेडी में कन्वर्ट हो गया, यानी कि सीकेडी है किडनी का रोग, चिरकालीन जो किडनी का डिसऑर्डर है वो बन गया है। तो मैंने अपने सर की गाइडेंस में शुरुआत में जब काम सीखा है तो ही टोल्ड मी दैट बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग योर ट्रीटमेंट बाय द ओन वे, बाय योर ओन वे। तो मैंने अपनी समिता से ब्लेसिंग्स ली और अपने गुरु ग्रंथ साहिब जी को याद किया और उनकी ब्लेसिंग्स से मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। और मम्मा मेरे जिनको मना कर दिया गया था, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वहाँ पे उन्होंने मेरे मदर को ये बोल के भेज दिया था कि ये अब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे 2020 में। तो इट टुक मी 6 to 7 months बट शी रिकवर्ड। अच्छी बात है। बट मिक्सी सर सॉरी प्लीज आई वांट टू ऐड वन थिंग, इस आयुर्वेद में सबसे बड़ी जो मेडिसिन है वो एक किसी औषध को नहीं बताया, किसी प्लांट को नहीं बताया है या किसी विश औषधि को नहीं बताया, उन्होंने सबसे बड़ी औषधि बताया है खुद वैद को, कि जो वैद के अंदर एक ऐसी क्वालिटी जनरेट करो कि अगर वैद एक धूल भी दे तो उससे भी पेशेंट ठीक होना चाहिए। तो आयुर्वेद में वैद्य ज़्यादा मैटर करता है, मेडिसिन बाद में। हमने भी अपने आप को डॉक्टर कंचन के सुपुर्द कर रखा। तो डॉक्टर रमनीक, अगर आपसे कहा जाए कि कुछ आयुर्वेदिक के स्पेशल फीचर्स आप काउंट करें तो कौन से वो फीचर्स रहेंगे? स्पेसिफिकली किस चीज़ में हम देखे चलेंगे? ओवरऑल जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं सर, उनको मद्देनजर में रखते हुए और कोई मेरे जैसा आदमी आपसे पूछे कि आयुर्वेदिक की क्या विशेषताएं हैं, तो आप किस तरह से काउंट करना चाहेंगे? सबसे पहले सर, जैसा कि वैद्य कंचन जी ने बताया, हाँ, कि नॉर्मली हमारे जो बाकी साइंसेस हैं उसमें बताया जाता है कि पेशेंट ठीक हो गया है उसके बाद उसको कोई सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आयुर्वेद में एक कंसेप्ट ऐड किया गया है पर्सन आत्मा इंद्रिय और मन का, ठीक, वो किसी और लाइफ साइंस में हमारे नहीं बताया गया है। ओके। जब तक आपकी इंद्रिय पसंद नहीं होगी तब तक आपके आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि इंसान को उससे जुड़ना जरूरी है। आयुर्वेद का अल्टीमेट एम जो है वो सिर्फ स्वस्थ रखना नहीं है, स्वस्थ को भी, जो स्वस्थ है उसको भी स्वस्थ रखें और जो बीमार है उसको ठीक करें। साथ में हमारे में एक चीज एडिशनल है, वो चीज ये है कि परमात्मा से जुड़ने के बारे में बताया गया, इट्स मोर ऑफ ए स्पिरिचुअल साइंस। ओके। यस। ओके। एक आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, एक आप बाहर बैठ के बात कर रहे थे, पास्ट लाइफ रिग्रेट्स, उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? हाँ जी, आयुर्वेद में तीन तरीके की चिकित्साएं बताई गई हैं। पहली चिकित्सा है देवाप्सय चिकित्सा, यानी कि देवताओं से ट्रीटमेंट लेना। सेकंड चीज बताई गई है सत्ववाच्य, यानी सत्व पे काम करना। और थर्ड बताई गई है युक्तिवाप्सय, यानी कि युक्ति से, वैद्य अपनी युक्ति से कौन सी बीमारी को किस तरीके से ट्रीट करता है। सबसे बड़ी प्राथमिकता आयुर्वेद में देवाप्सय को दी गई है। नॉर्मली इस समय पे लोगों को अगर हम समझाना चाहें कि आप देवाप्सय चिकित्सा में ही आपको ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए या आपको ये यज्ञ करना चाहिए या अपने कुल देवताओं को याद करना चाहिए, तो आज के समय पे लोग वो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं उनका कर्म हमें इस समय पे देखने को मिलता है, ये आयुर्वेद में बताया गया है। दूसरा, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हमारे कुल देवता अगर नाराज हो जाएं तो उनकी वजह से भी कुछ बीमारियां हमें लगती हैं, तो उनका निवारण आयुर्वेद में प्रॉपरली बताया गया कि वो देवाप्सय चिकित्सा से ही होता है, जिसमें अगर आप देखा जाए तो पुराने समय में संतान प्राप्ति के लिए भी यज्ञ किए जाते थे, तो वो एक्चुअल में देवाप्सय चिकित्सा का ही एक पार्ट था। हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है गुजरात में, हम लोग जब आयुर्वेद सीख रहे थे सर के पास, वहाँ पे बैक साइड में हमारा एक गुरुकुल है, उधर पंडित लोग जो हैं, मतलब छोटे बच्चे जो हैं, वो कम उम्र से 10 साल का समय या 12 साल का समय जो भी रहता है उसमें हमारे वेदों का ज्ञान हासिल करते हैं, ठीक। और हमें उधर शाम को यज्ञ करना होता था फॉर द पेशेंट्स। तो हमारे पास 2 से 3 रिजल्ट्स ऐसे हैं जो कि शायद मे बी एक अचंभा लगे। हमारे पास एक पेशेंट था जिसका एक्सीडेंट हुआ था और एलोपैथी डॉक्टर्स वहाँ ने उनको मना कर दिया था कि ये ठीक नहीं होंगे, बट शाम को हमारे सर के गाइडेंस में हमने यज्ञ किया और इस यज्ञ में
एक दो तीन लेडीज बैठे थे, वो भी वैद्य थे। द वन उनमें से एक थे, उनके थोड़े संतान थोड़े वंचित थे उस संतान से। तो उन्होंने मन ही मन सिर्फ इतना मांगा कि ये यज्ञ की ब्लेसिंग्स, शायद अगर मेरा बेटा होता तो मेरे को ये ब्लेसिंग्स मिल जाते। और हफ्ते बाद ही उनकी एक गुड न्यूज आ गई उन्हें, और नॉट एवन वंस। उनकी बात सुन के हमारे एक वैद्य थे, उन्होंने अपनी, उनका भी यही प्रॉब्लम था, वो अपनी वाइफ को लेके आए नेक्स्ट यज्ञ में, और उनका भी वन मंथ बाद एक गुड न्यूज आई। तो वी कैन टेल दिस थिंग बाय श्योरिटी कि देव आपसा चिकित्सा काम करती है इफ यू बिलीव। ओके, मेरे को डॉक्टर साहब एक केस याद आ गया। मैं चंडीगढ़ में रहता था, मेरा कोर्ट एडेड था, ही वॉज अराउंड 70 years दैट टाइम, आई वॉज अराउंड 40 years। उसको एक्सीडेंट हो गया और वो एलोपैथिक दवाई नहीं खाता था। उसके कमरे में जाते थे तो हल्दी की स्मेल आती थी, अदरक की आती थी, हींग की आती थी, इस तरह की चीज़ें। मैं उसकी मिन्नत करके रह गया, मैंने कहा आपको अरोड़ा जी मैं वहाँ ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। नहीं, मैं हल्दी से ठीक हो जाऊँगा, और वो ठीक हो गया। सिर्फ हल्दी, हींग और इस तरह की चीज़ें खा के एंड ही बिकेम ऑलराइट। 70 साल का आदमी, तो जो आप कह रहे हैं कि चीज़ें हैं आयुर्वेदिक में है, कुछ आप पूछना चाह रहे थे? नहीं, ठीक है। हमने पहले 2 सेशन डॉक्टर कंचन के साथ किए हैं, और हमारे सुनने वालों ने कुछ प्रश्न हमें भेजे हैं। मैं चाहूँगा कि उन प्रश्नों को ले लेते हैं और देखते हैं आप जो भी आप में से उचित समझे उनके उत्तर दे सकते हैं।